मॉर्निंग, हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था ज्ञान मीमांसा का अर्थ। ज्ञान मीमांसा क्या होती है और इसका क्या अर्थ होता है, तो सारी की सारी चीजें हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा की विधियाँ। ज्ञान मीमांसा की कौन कौन सी विधियाँ होती है, ज्ञान मीमांसा यानी कि ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, क्या उसको पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है, क्या ज्ञान के अंतर्गत उसको प्राप्त करते समय जो विश्वास हम रखते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, क्या वह विश्वास होता है, क्या उसमें कोई वैलिडिटी होती है, उसकी कोई वैधता होती है, क्या है ना वो एक समय को पूरा कर पाता है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें हम आज की कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ज्ञान मीमांसा की विधियाँ। ज्ञान शास्त्र का विचारणीय प्रश्न ये है कि जो ज्ञान है ना उसके अंतर्गत जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या फिर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं या करेंगे वो विश्वसनीय है या नहीं, वो वैध है या नहीं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो विश्वास योग्य है या नहीं और वो वैध है या नहीं, यानी कि वैध से मतलब क्या वह अपने समय के अनुसार अनुकूल है, क्या वह 100% सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरा है या नहीं, ये वैध के अंतर्गत आएगा। विश्वास, विश्वसनीय, विश्वसनीय के अंतर्गत क्या वो ज्ञान सच में विश्वास करने लायक है या नहीं, क्या जो वो ज्ञान है वो उसी रूप में हमारे सामने आ रहा है या फिर उसमें कुछ तोड़ मरोड़ किया गया है, सारी की सारी चीजें विश्वसनीय और वैध के अंतर्गत आती हैं। कि जो अभी वर्तमान समय ऐसा है कि ज्ञान जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से मिलना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वह ज्ञान हमें उसी रूप में मिले जिस रूप में वह हमारे तक पहुंचना चाहिए या फिर ज्ञाता के पास में पहुंचना चाहिए, इसलिए उसमें विश्वसनीयता और वैधता होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इसमें क्या होता है, जो ज्ञान से संबंधित जो विचारधारा है ना, जो विचारक है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो विचारक है, अब वो भी उनकी भी दो विचारधाराएं बटी हुई है। पहले तो ये सोचते हैं कि जो ज्ञान है ना उसको पूर्ण रूप से एज इट इज जैसा वो है उसी रूप में मैं भाई उसी रूप में प्राप्त करना तो क्या है, असंभव है, यानी कि उसको उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त तो अपन को हो जाएगा लेकिन वो जिस तरीके से हम उसको लेना चाहते हैं उस रूप में उसको नहीं ले पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ हो ही जाएगी, असंभव है पूरा का पूरा 100% ज्ञान हमको मिलना। लेकिन दूसरी तरफ इसके एक और विचारक है, वो क्या सोचते हैं कि नहीं संभव है। दूसरे तरफ जो विचारक है वो यूं कहते हैं कि ज्ञान मीमांसा के पढ़ते के ज्ञान को प्राप्त करना संभव है। क्यों? क्योंकि वह तो ज्ञाता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ज्ञान जो है वो व्यक्ति के, मैंने आपको बताया था कि ज्ञान बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, साक्ष्य वाला, तर्क वाला, मैंने आपको बताया था ना पिछली कक्षा में, बस उसी तरीके से है कि विचार तो दो बन गए हैं। पहला तो असंभव कि भाई पूरी तरीके से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, और दूसरा है कि नहीं पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये सारी की सारी जो चीजें होती है किसके अंतर्गत होती है, ये सारी की सारी चीजें ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही होती है। और जो भी आधा अधूरा ज्ञान होता है ना उसको कौन पूरा करता है, जो भी आधा अधूरा ज्ञान होता है, आधा अधूरा जो स्पष्ट नहीं है, जो हमारी तरफ एज इट इज नहीं पहुंचा है, उसको पूरा करने का काम कौन करता है, ज्ञान मीमांसा करता है। क्योंकि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो भी ज्ञान है वो सब किसका है, विज्ञान की तरफ से ही आता है, यानी कि ज्ञान का विज्ञान। तो ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, सभी तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ में कठिनाई आएगी कुछ में कठिनाइयां नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या है कि जो ज्ञान मीमांसा है इसके अंदर मैंने विश्वसनीय तो वैधता बताई, इसके अंदर क्या है कि जो वैध उपागम होते हैं ना,
जो वैध पता का जो ज्ञान होता है, जिसमें जिसकी वैलिडिटी होती है, जिसकी वो जिसमें तर्क संगत होता है। अब वैध उपागम के इसमें चार विधियां बताई है, वैध उपागम कितनी विधियां बताई है वैध उपागम की? वैध उपागम की चार विधियां, वैध उपागम की चार विधियां कौन कौन सी? पहला तो है तर्क उपागम, वैज्ञानिक परीक्षण, न्याय दर्शन और योग दर्शन। कौन सी है? तर्क उपागम, वैज्ञानिक परीक्षण, न्याय दर्शन और योग दर्शन। न्याय दर्शन और योग दर्शन, ये चार विधियां बताई गई। चार विधियों के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो तर्क उस ज्ञान में संबंधित हम तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। जो भी ज्ञान है उसमें कोई ना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर होगा, ठीक है। उसमें न्याय कितना हो रहा है, क्या वो सच है, इसमें विश्वसनीयता है, वैधता है, वो सारी सारी चीजें। और योग दर्शन वो की आध्यात्मिक ज्ञान से या फिर व्यक्ति के विकास में कैसे संभव हो सकता है। ये विधियां बनाई गई है वैध ज्ञान से, ठीक है। हमारा टॉपिक था ज्ञान उपासक विधियां, ये पूरा हो गया है। अब हेडिंग डाले डालेंगे हम पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दार्शनिक आधार। पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दर्शन क्या था? ज्ञान के दार्शनिक, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में मैंने आपको लिखाया था कि पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अनुसार। अब यहाँ पर जो ज्ञान है अब वो यहाँ पर दो भागों में बट चुका है। कौन सा? एक तो है पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत ज्ञान का स्वरूप कैसा है, ठीक है, विदेशों में पाश्चात्य संस्कृति में, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति में कैसा है ज्ञान का स्वरूप, और क्या है, और है हमारी भारतीय संस्कृति में कैसा है। कि भाई भारत के जो लोग हैं, जो भारत के दार्शनिक है, जो दर्शन शास्त्रक है ना, ये भारतीय जो विचारक है, वो ज्ञान को किस रूप में लेते हैं, वो ज्ञान को किस रूप में देखते हैं, और जो विदेशों में है जो पाश्चात्य संस्कृति है वो ज्ञान को किस रूप में देखती है लेती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो दर्शन है, जो ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक बताया गया है, जो इसकी डिटेल है हम अभी पढ़ नहीं रहे, आगे का मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। जो ज्ञान का जो अर्थ है ना कैसा बताया गया है, व्यापक, बहुत ही बड़ा है ज्ञान का अर्थ। ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, क्या कहाँ पर खत्म होगा, वो कोई भी नहीं कह सकता। ज्ञान का क्षेत्रफल इतना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और ज्ञान का क्षेत्रफल बड़ा है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी एक विषय वस्तु है, एक विषय वस्तु है, अब उस विषय वस्तु के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो इससे संबंधित हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। एक कोई भी टॉपिक ले लिया हमने और उससे संबंधित अपन को जानकारी लेनी है, तो एक टॉपिक से संबंधित हमको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। उन सभी जानकारियों को, उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, वो क्या कहलाएगा, विश्लेषण। उन सभी जानकारी को इकट्ठा करेंगे तो उस विषय वस्तु का विश्लेषण हो जाएगा, और वो ही क्या है, वो ही ज्ञान है उस विषय वस्तु का, ठीक है। एक विषय वस्तु है उसके बारे में हमें डिटेल चाहिए, उससे संबंधित हमें ज्ञान चाहिए, तो वो अलग अलग भागों में विभक्त है, अलग अलग भागों में वो ज्ञान बटा हुआ है, तो उसको हर भाग से लेके इकट्ठा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, फिर वो संपूर्ण ज्ञान
बन जाएगा, वो ही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ज्ञान। ठीक है, अब जो ज्ञान का उपयोग है वो मुख्य रूप से दो अर्थों में बताया गया है, यानी कि ज्ञान के कितने अर्थ बताए गए हैं, ज्ञान के मुख्य रूप से दो अर्थ बताए गए हैं, पहला तो है व्यापक अर्थ, दूसरा है संकुचित अर्थ। ज्ञान का अर्थ कितने बताए गए हैं, दो, पहला है व्यापक और दूसरा है संकुचित। व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ यानी कि जिसके अंतर्गत ज्ञान का क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ज्ञान का इसका शुरुआत कहाँ से होती है, इसका अंत कहाँ पर होती है, ये कोई भी नहीं बता सकता। तो व्यापक ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा होता है। अब आता है संकुचित ज्ञान, संकुचित ज्ञान के अंतर्गत जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होता है, एक निश्चित समय के अंतर्गत ये हुए कि निश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत ज्ञान का अर्थ समझा जाता है संकुचित अर्थ में। तो जो तो ज्ञान या फिर ज्ञान का अर्थ दो, एक तो व्यापक अर्थ जो कि बहुत बड़ा होता है, संकुचित यानी कि सीमित मात्रा में होता है, ज्यादा डिटेल है नहीं आगे, आपके नेक्स्ट जो भी यूनिट आएगी उसके अंतर्गत है इसकी पूरी डिटेल, तो हम इसको वहां पर कवर करेंगे, अभी तो आपके इतना ही है इस वाली यूनिट में। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति को ज्ञान का अर्थ समझ में आता है, ठीक है, व्यापक अर्थ समझ में आ जाता है, संकुचित अर्थ समझ में आता है, तब उसका जीवन ज्ञान को प्राप्त करने से पहले कैसा होता है, अंधकार भरा होता है। ज्ञान को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति का जीवन होता है अंधकार जैसा, और फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना उसके जीवन क्या है, अलग है, रोशनी। ठीक है, जिस प्रकार एक अंधेरा ही अंधेरा होता है कमरे में, एक कमरा है बंद कमरा है उसमें बहुत ही अंधेरा है, ठीक है, और उसी में अगर हम एक दीपक की दीपक भी जलाएंगे ना तो उस पूरे अंधेरे में बहुत ही ज्यादा रोशनी हो जाएगी, जहां जहां पर वो रोशनी पहुंचेगी वहां पे क्या होगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो बस उसी प्रकार से ज्ञान है कि जिसके पास में ज्ञान नहीं है वो अंधकार में डूबा हुआ है, और जिसके पास में ज्ञान है वो रोशन है अपनी अपने जीवन में। ठीक है, सबको समझ आ गया कि ज्ञान कितना ज्यादा जरूरी है। और जो क्या होता है कि जो ज्ञान का अपन उपयोग करते हैं वो उचित और अनुचित दोनों जगह पर करते हैं, यानी कि कहीं कहीं पर हमें लगता है कि हमारे पास में ज्ञान है तो यहाँ पर हमें को बताना चाहिए, कहीं पर लगता है कि नहीं यहाँ पे तो हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो जो ज्ञान है वो उचित और अनुचित दोनों जगहों पर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान, हमारा प्रकरण है भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान। हम इस टॉपिक में हम कर लेते हैं भारतीय दर्शन, अगले टॉपिक में हम करेंगे पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, तो भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान कैसा है कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान आत्मा का गुण है। भारतीय दर्शन में आत्मा इसका गुण माना है ज्ञान का। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा को ज्ञान को तीन रूपों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला तो क्या है खुद ज्ञान, दूसरा है ज्ञाता, दूसरा तीसरा है ज्ञेय। सॉरी ज्ञेय, ठीक है, ज्ञान जो भी ज्ञान हमें दे रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान, ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करने वाला, प्राप्त करता, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और ये यानी कि जिस विषय वस्तु के ऊपर ज्ञान दिया जा रहा है, जिस विषय वस्तु के ऊपर ज्ञान दिया जा रहा है वो है ज्ञान। ठीक है, तो भारतीय दर्शन के अनुसार तीन रूप बताए, भारतीय दर्शन के अनुसार सबसे पहले तो आत्मा को ज्ञान
अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत आत्मा का संपर्क जब गे से आता है, ठीक है, गे यानी विषय वस्तु, विषय वस्तु जब आत्मा का संपर्क गेय से आता है, आत्मा का किसका, आत्मा का, जब आत्मा का संपर्क गेय से आता है तब वह ज्ञान कहलाता है, तब वह ज्ञान कहलाता है। जिस किसी भी आत्मा का संपर्क गेय से नहीं होता, उसकी विषय वस्तु से नहीं होता, तो वो ज्ञान निरर्थक है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, वो किसी भी मतलब का नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति दे रहा हो या कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर रहा हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान है उसको सीधा सीधा किससे संबंधित किया गया है, उसको सीधा सीधा आत्मा से संबंधित किया गया है, हमारी अंतरात्मा से, ईश्वर से संबंधित किया गया है। और जब हमारी अंतरात्मा यानी जब हम कहेंगे हमारी आत्मा उस विषय वस्तु के संबंध में आएगी, तब हमें उस ज्ञान को भली भांति समझ सकेंगे और हमारे बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे। ऐसा है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान के संबंध में तीन बिंदु बताए हैं। अब दर्शन शास्त्र में ज्ञान के संबंध में तीन बिंदु बताए हैं। दर्शन शास्त्र में ज्ञान के संबंध में तीन बिंदु बताए हैं। अब वो तीन बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान वस्तु प्रकाश प्रकाशक है और ज्ञान हमारे व्यवहार का अभ्युदय है। पहला है ज्ञान आत्मा का गुण है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो ज्ञान है ना वो हमारे आत्मा का गुण है, हम जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं यानी कि हमारी आत्मा भी वैसी है। दूसरा है ज्ञान वस्तु प्रकाशक है, जो ज्ञान है वो हमें उस विषय वस्तु के ऊपर रोशनी देती है। हम किसी विषय वस्तु के ऊपर जानना चाहते हैं और हम उसके ऊपर ज्ञान प्राप्त हो जाता है यानी कि उस विषय वस्तु से संबंधित हमारे अंदर जीवन में प्रकाश आ जाता है। तीसरा है ज्ञान हमारे व्यवहार का अभ्युदय है, जो ज्ञान है वो हमारे व्यवहार के अंतर्गत सम्मिलित होता है। जिस प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे हम उसी प्रकार का व्यवहार अपने जीवन में करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं। हमारे परिवार में हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे, हमारे आस पड़ोस में, समाज के अंतर्गत, है ना, कैसा व्यवहार करेंगे कि जिस प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हम अपने जीवन में करते हैं। अब यहाँ पर जो ज्ञान है वो दो प्रकार से बताया गया है, एक तो है प्रमा और है एक तो है प्रमा और अप्रमा। ज्ञान कितने प्रकार का बताया है? दो प्रकार का, प्रमा और अप्रमा। प्रमा जो ज्ञान जैसा है उसको एज इट इज समझना, मुझे पता है कि ये मार्कर है तो मैं इसको मार्कर ही समझूंगी, ये तो क्या हो गया, प्रमा हो गया। और अप्रमा का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक रस्सी है लेकिन और वो कोई लड़के के समझ रहा है कि तो रस्सी नहीं तो सांप है, हालांकि वो है रस्सी लेकिन जो चीज नहीं है वो उसको समझ रहा है, उसको सांप समझ रहा है, तो ये क्या हो गया, अप्रमा। जो यथार्थ चीजें होती है उसको एज इट इज स्वीकार करना तो प्रमा, लेकिन जो चीजें है ही नहीं, जो अयथार्थ है उनको अप्रमा कहते हैं, ठीक है। और है कि गीता के अनुसार मानव अज्ञानता वश बंधन की अवस्था में पड़ा रहता है। गीता में क्या लिखा गया है कि जो मानव है ना ज्ञान के अभाव में अज्ञानता वश में पड़ा रहता है और उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अज्ञानता और अंधकार उसके जीवन से दूर होता है। गीता के अनुसार ज्ञान को ज्ञान के दो प्रकार बताया गया है, पहला तो है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान के अंतर्गत उसको हम बौद्धिक जगत से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तार्किक ज्ञान के अंतर्गत कोई भी ज्ञान होता है उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं और आध्यात्मिकता के अंतर्गत हम हमारे ईश्वर से परमात्मा से संबंधित होता है जिसकी हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर आज का।
पूरा हो गया है। आज अपन ने तीन चीजें पढ़ी, ठीक है। पहला तो पढ़ी हमने ज्ञान मीमांसा की विधियां, फिर है पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दार्शनिक आधार, फिर हमने पढ़ा भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान। थैंक यू।